फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल CBSE हिस्ट्री। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। सामूहिक अपनेपन की भावना के विकास के साथ ही नेपोलियन का उत्थान हुआ। नेपोलियन ने अपने नेपोलियनिक कोड द्वारा बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिससे फ्रांस की जनता में उदारवादी भावना का विकास हुआ और फ्रांस कि ये जो उदारवाद की भावना थी वो धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी नेपोलियन की सेना के साथ पहुंचने लगी। लेकिन जो प्राचीन रूढ़िवाद है वो फिर से यूरोप में हावी हो गया जब 1815 में नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया और उसके साथ ही वीना कांग्रेस द्वारा प्राचीन निरंकुशवादी मोनार्की सिस्टम को फिर से इंप्लीमेंट किया गया, न्यू कंजर्वेटिव जिसको कहते हैं। और उसके बाद फिर जो है यूरोप में फिर से क्रांतियों का दौर शुरू होता है 1830 में, जिसमें सबसे पहले फ्रांस में फिर क्रांति होती है और फ्रांस में जो है संविधान के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसको कहते हैं वो स्थापित होती है। फिर बेल्जियम में विद्रोह हो जाता है। उसके बाद फिर जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट होती है और ग्रीस जो है ओटोमन एम्पायर से स्वतंत्र हो जाता है। फिर हमने ये भी देखा किस तरह से रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूरोप में एस्टेब्लिश होना शुरू होते हैं। मैजिनी जो था उस एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली और यंग यूरोप जैसी संस्थाओं की स्थापना करके पूरे यूरोप में जो है कार्बोनरी ऑर्गेनाइजेशन का जाल सा बिछा दिया था। और इस तरह से यूरोप में धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल होती जा रही थी। और इसी समय में जो कल्चरल जो है एक तरह से परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान होता है। लोग भाषा, गीतों, नृत्यों और अनेक माध्यमों से जो है लोगों को आपस में जोड़ने के प्रयास इस समय अलग अलग देशों में किए जाते हैं। जर्मनी में जोहान गॉटफ्रीड जो है वो प्रयास करते हैं। इसी के साथ पोलैंड में पोलिश भाषा जो है वो राष्ट्रवाद की उदय का एक कारण बन जाती है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो फैलता जा रहा था। और इसी दौरान यूरोप में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी जिसने 1848 में अनेक क्रांतियों को जन्म दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जो हार्डशिप और हंगर का जो पीरियड था उसके बारे में, साथ ही साथ फिर उसके बाद जो यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ हुई उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1830s यूरोप में जो एक पूरा पीरियड जो है 1830 से लेकर 48 का, वो ग्रेट ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप के रूप में जाने गए। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी saw an enormous increase in population all over Europe. अब यूरोप में जो है इस समय आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाइयाँ क्यों आई, उसका सबसे मेन रीज़न था कि इस 19th सेंचुरी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप की जनसंख्या में अचानक से बहुत सारी वृद्धि हो जाती है। लार्ज स्केल रूरल माइग्रेंट टू सिटीज लेड टू ओवर क्राउडेड सिटीज एंड रिड्यूस जॉब्स। और बहुत सारी पॉपुलेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करती है और उनके पलायन से शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, स्वास्थ्य की समस्याएँ हो जाती है, फूड की समस्या हो जाती है और साथ ही साथ जो है इस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है, जो है रोजगार कम हो जाते हैं। स्टीफ कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड गुड्स एंड चीप मशीन मेड गुड्स। और इसी दौरान यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति भी प्रारंभ होती है और इस समय मशीनों से बनने वाली वस्तुओं और हाथों से बनने वाली वस्तुओं के बीच भी बहुत जबरदस्त कंपटीशन प्रारंभ हो रहा होता है। पीजेंट्स बर्डन विद फ्यूडल ड्यूज एज इन रूरल एरियाज एरिस्टोक्रेसी वाज स्टिल एंजॉयिंग द पावर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी भी किसान वर्ग जो था वो बहुत सारे सामंती करों से दबा हुआ था, जबकि अमीर वर्ग एरिस्टोक्रेटिक जो वर्ग था वो अभी भी जो है बहुत सारे जो प्रिविलेजेस था उनका यूज़ कर रहा था, शक्तियों को एंजॉय कर रहा था। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। और जब कभी भी अचानक से खाने की कीमतें बढ़ जाती थी या फिर कभी कभी ऐसा वर्ष आता था जब फसलें खराब हो जाती थी, ऐसे में पूरे यूरोप में जो है शहरों और गांवों में जो है एक तरह से अव्यवस्था, अशांति फैल जाती थी। और इस बार भी ऐसी अशांति की शुरुआत जो है वो फ्रांस में ही हुई और फ्रांस में जो किसान थे, जो बुनकर थे, उन लोगों ने क्रांति कर दी और लुईस फिलिप जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंदर हेड बनाया गया था फ्रांस का, उसको वहाँ के शासन से हटना पड़ा।
लुइस फिलिप को जो है हटा दिया गया और इस तरह से 1848 में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया है। फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक इन 1848 ड्यू टू द स्ट्राइक्स और द रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स एंड वीवर्स। तो इस तरह से इन क्रांतियों की शुरुआत का या मेन कारण जो था आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां उस समय फ्रांस और यूरोप में आ गई थी। अब कौन कौन सी क्रांतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई, तो सबसे पहले हम देखते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन 1848, उदारवादियों द्वारा की गई क्रांतियों में फ्रांस की क्रांति में फ्रेंच मोनार्की अपरूटेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1848 एंड रिपब्लिक हैड बीन प्रोक्लेम्ड। जो है राजा को हटा दिया गया और उसके स्थान पर फ्रांस एक गणतंत्र बन गया 1848 में। डिमांड ऑफ लिबरल मिडिल क्लास फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। और इस समय जो है उदारवाद ने मध्यम वर्ग की मांगों और संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी मांगों, साथ ही साथ राष्ट्र के यूनिफिकेशन की डिमांड्स भी इस समय बहुत ज़्यादा देशों में बढ़ गई। तो ये जो क्रांति थी इसने अनेक जगह पर नए नए राष्ट्रों का और उन सबका जो है निर्माण में योगदान दिया। सबसे पहले अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था। द इकोनॉमिक ट्रबल्स एंड जनरल अनहैप्पीनेस सिमर्ड अंटिल 1848, देन रिवॉल्यूशन एक्सप्लोडेड अगेन एंड अनदर रिपब्लिक वाज बोर्न। इस 1848 की क्रांति के द्वारा फ्रांस गणतंत्र बना, साथ ही साथ फ्रांस में जो है सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट का राइट दिया गया, सभी लोगों को वोटिंग, मेल्स को मेनली जो है वोटिंग का राइट मिला और बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए, इंडस्ट्री सेटअप किए गए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो 1848 की रिवोल्यूशन जो है फ्रांस के लिए बहुत अच्छी साबित हुई और वोटर्स ने जो है नेपोलियन नेफ्यू लुइस नेपोलियन को जो है नया उनका अपना प्रेसिडेंट एक तरह से इलेक्ट किया। फ्रांस की क्रांति जैसे ही शुरू होती है उसके बाद 1848 में यूरोप के अन्य देशों में भी अलग अलग तरह से क्रांतियां जन्म लेने लगती है। ऐसी ही क्रांतियों में एक जर्मनी में भी इस समय कुछ ऐसी रिवोल्ट की कोशिश की गई थी जिसे फ्रैंकफर्ट असेंबली के नाम से जाना जाता है, जो कि 18 मई 1848 को आयोजित की गई। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंकफर्ट असेंबली, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक बड़ा सा शहर है, वहाँ पर इस संसद का आयोजन किया गया था 18 मई 1848 को। इन जर्मनी प्रोफेशनल बिजनेसमैन आर्टिजन डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो जर्मनी के सभी राज्यों के, जर्मनी में छोटे छोटे 39 स्टेट्स थे, उन सभी राज्यों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, कारीगर और शिल्पकार लोग थे, उन सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो सब पूरे जर्मनी के एक राष्ट्रीय संसद का निर्माण करेंगे। और इसके लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन चर्च ऑफ सेंट पॉल, तो इसके लिए फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में एक जो है संसद का आयोजन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड फॉर ए जर्मन नेशन, और इसके लिए एक संयुक्त जर्मनी का संविधान बनाने का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया टू बी हेडेड बाई ए मोनार्की। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन का जो हेड होगा वो एक मोनार्क या एक राजा होगा, जो कि वहाँ का प्रूशिया जो सबसे बड़ा स्टेट था उसके राजा को इसका हेड बनाने का डिसीजन लिया गया। ऑफर्ड द क्राउन टू फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, और इस फ्रैंकफर्ट संसद ने प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, किंग ऑफ प्रूशिया को जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल जर्मनी का जो है एक राजा या हेड बनने का प्रस्ताव दिया। बट फ्रेडरिक विलियम रिजेक्टेड एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू ओपोज द इलेक्टेड असेंबली, लेकिन फ्रेडरिक विलियम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और दूसरे राजाओं के साथ मिलकर इस असेंबली को ख़त्म करने के लिए उनका साथ दिया, समर्थन किया। सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट शिफ्टेड टू मिडिल क्लास डोमिनेंस। इस जो फ्रैंकफर्ट असेंबली में जो ज़्यादातर मेंबर्स आए थे वो सब सामाजिक रूप से मध्यम वर्ग से संबंधित थे। लॉस द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, और इन लोगों को, इस मध्यम वर्ग के लोगों को जो है कारीगर और बुनकरों का जो समर्थन था, वर्कर्स का जो समर्थन था, वो समर्थन समाप्त हो गया था। पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फॉर्म्ड बाय वुमेन फॉर पॉलिटिकल राइट्स, इसके बाद महिलाओं को भी इस फ्रैंकफर्ट असेंबली में किसी तरह से कोई वोट का राइट नहीं दिया गया था। तो इस असेंबली के बाद जर्मनी की महिलाओं ने भी अपने राजनीतिक अधिकारों की मांगों के लिए एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया। कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस लिबरल्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल्स को यहां पर दबा दिया। फ्रैंकफर्ट असेंबली एक तरह से असफल हो गई, संविधान और संसद का जो योजना थी वो यहां पर असफल हो जाती है। फियरिंग फ्यूचर रेवोल्यूशंस मोनार्क इंट्रोड्यूस चेंजेस, और इस फ्रैंकफर्ट असेंबली के बाद
जो राजा लोग थे उनको लगने लगा था कि जर्मनी में भी क्रांतियाँ हो सकती है, तो उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार इस समय जर्मनी में करना शुरू कर दिए। सर्फदम एंड बैंडेड लेबर, बॉन्डेड लेबर एबोलिश्ड, और गुलामी और जो है अनुबंध आधार पर श्रमिक जो रखे जाते थे उस तरह की प्रथाओं को जर्मनी में समाप्त कर दिया गया। तो इस फ्रैंकफर्ट असेंबली भले ही असफल हो गई, लेकिन इसने जर्मनी में सुधारों का मार्ग जो है रास्ता जो है वो शुरू कर दिया। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में आयोजित संसद का ही पिक्चर है, जिसमें ऊपर की बालकनी में महिलाएं बैठी है और नीचे जो है इसके जितने भी 848 जो मेंबर्स थे वो सब बैठे हैं, लेकिन ये जो संसद है वो असफल हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का प्रयास फ्रैंकफर्ट असेंबली में किया गया, लेकिन वो असफल हो गया। जर्मन्स हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय अन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो जर्मनी के लोगों ने फ्रैंकफर्ट असेंबली में एक प्रयास किया था कि एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट के द्वारा जो है एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए, लेकिन दैट वॉज अ फेलियर, वो बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। दीज लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशिया। और ये जो प्रयास था वो राजाओं द्वारा साथ ही साथ सेना और वहाँ के जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, भूस्वामी थे, जिन्हें प्रुशिया में जंकर्स कहा जाता था, ये न्यू वर्ड है, जंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रुशिया के भूस्वामी या जर्मनी में भूस्वामियों को जंकर्स कहा जाता था, उनके समर्थन से ये फ्रैंकफर्ट असेंबली जो है असफल हो गई, यानी जर्मनी के यूनिफिकेशन का पहला प्रयास जो है असफल हो गया। फ्रॉम देन ऑन प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। लेकिन इस असफल प्रयास के बाद प्रुशिया जो जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य था, इस राज्य ने अब जर्मनी के यूनिफिकेशन के काम को अपने हाथ में ले लिया, यानी इसके बाद जर्मनी के यूनिफिकेशन का पूरा प्रयास जो है प्रुशिया द्वारा ही लीडरशिप की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जर्मनी जो है बड़ा सा देश है जिसके बहुत लगभग 39 स्टेट्स थे छोटे छोटे से, इसमें से सबसे बड़ा जो ये इसके पूर्वी भाग में देख सकते हैं रशिया के बॉर्डर पर, ये प्रुशिया है और इसी की लीडरशिप में ये यूनिफिकेशन का काम हुआ था। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो कारीगर है या जो फादर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन जो है ओटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है, जिनको आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जर्मनी के चांसलर थे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं के नेतृत्व में जर्मनी के यूनिफिकेशन का काम पूरा हुआ। ओटो वॉन बिस्मार्क ने इसके लिए पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, उन्होंने जो उनकी ब्लड एंड वॉर की पॉलिटिक्स थी, रियल पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, जिसमें उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी तरह के तरीकों और उपायों को करते हुए जर्मनी के दुश्मनों को एक एक करके हराया, और उसके बाद जो है जर्मन यूनिफिकेशन पूरा हुआ। जर्मनी के यूनिफिकेशन में मुख्य रुकावट जो थी फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रशिया थे, और बिस्मार्क ने इन तीनों का ही बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया, जब ज़रूरत पड़ी एक को मित्र बनाया, दूसरे को हराया, और दूसरे को हराने के बाद फिर जिसको मित्र बनाया था उसको हराया, इस तरह से साम दाम दंड भेद से बिस्मार्क ने ये 7 वर्षों में 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस इन तीन को हराया। सबसे पहले डेनमार्क को हराया और जो है इस यूनिफिकेशन की शुरुआत की। डेनमार्क में स्लेश्विग और होल्स्टीन की डची जो थी उसके लिए ये युद्ध हुआ था, और उसमें ऑस्ट्रिया की हेल्प से जो है ये युद्ध जीता, और उसमें ऑस्ट्रिया को लालच देकर स्लेश्विग की डची उसको दी गई। उसके बाद ऑस्ट्रिया को हराने के लिए प्रुशिया के चांसलर बिस्मार्क ने फ्रांस से मित्रता की, फ्रांस की सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया, फिर अंत में रशिया को भी हराकर उसने अपने इस यूनिफिकेशन को कार्य को पूरा किया। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलीज। और जनवरी 1871 में ये यूनिफिकेशन का कार्य पूरा हुआ, पर्शिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का, यूनिफाइड जर्मनी का पहला शासक घोषित किया गया, और उसका जो समारोह है वर्सलीज के राजमहलों में आयोजित किया गया। तो बिस्मार्क द्वारा 7 वर्षों में 3 युद्धों में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराकर जर्मनी के यूनिफिकेशन का कार्य पूरा किया गया। ठीक है, बिस्मार्क को
जो है आयरन मैन ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का जो यूनिफिकेशन है उसमें चार लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, चारों के पिक्चर आपके सामने हैं। सबसे पहला इटली में जो यूनिफिकेशन का आइडिया है उसको जनरेट करने का, उसको शुरू करने का क्रेडिट जो है वो जुसेपी मैजिनी को जाता है। मैजिनी ने ही जर्मनी को यूनाइट करने के आइडिया को जो है यंग इटली नामक संस्था बनाकर जर्मन लोगों में इस विचार को जन्म दिया था। तो पहला जो है इस विचार का जन्मदाता मैजिनी जो था तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो जर्मनी में प्रूशिया सबसे बड़ा राज्य था, सेम वे इटली का सबसे बड़ा राज्य था सार्डिनिया पिडमोंट, और सार्डिनिया पिडमोंट के राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो उनकी लीडरशिप में भी जो है ये यूनिफिकेशन का कार्य पूरा हुआ था, तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थर्ड है काउंट कैबूर, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट जो जर्मनी का इटली का सबसे बड़ा राज्य था उसके प्रधानमंत्री थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी बिस्मार्क की तरह चालाकी से जर्मनी के दुश्मनों विशेषकर ऑस्ट्रिया को हराकर जो उत्तरी इटली के राज्यों को इस सार्डिनिया पिडमोंट में मिलाने का कार्य किया था, और फ्रांस की मित्रता से उन्होंने ये किया था। उसके बाद लास्ट में जो है योगदान था जुसेपी गैरिबाल्डी का, जो कि एक स्वयं सैनिक थे, उन्होंने रेड शर्ट आर्मी करके एक सेना बनाई थी और दक्षिण के सिसली राज्यों को जीतने में गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान था। और ये जो मैप है इसमें देख सकते हैं ये सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य था, और इसके उत्तर में लोम्बार्डी वेनिशिया जो दो राज्य हैं ये दोनों ही ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे। बीच में जो है पेपल स्टेट्स हैं जो गणराज्य थे, रिपब्लिक के रूप में थे। फिर इसमें रोम का भी एक राज्य था जहाँ पर पोप का अधिकार था। साउथ में सिसली स्टेट्स हैं जिनको बाद में गैरिबाल्डी ने जीता था। तो ये इटालियन यूनिफिकेशन इन चार लोगों के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम था। अलग अलग समय में किए गए थे लेकिन उनकी वजह से ही ये यूनिफिकेशन हो पाया। अब किस तरह से हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ इटली को अगर हम देखें तो इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। इटली जो है छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी उसकी तरह ये भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। 19th सेंचुरी के आसपास यहाँ 7 बड़े राज्य थे, ऑफ विच ओनली वन सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसमें सार्डिनिया पिडमोंट पर ही इटली के किसी वंश का शासक था, बाकी सभी जगह पर अलग अलग देशों के वंशजों का अधिकार था। नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी, उत्तर का भाग जो लोम्बार्डी वेनिशिया था वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, बीच में रोम का राज्य जो है पोप के अधिकार में था। एंड सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, जो कि स्पेन की बर्बन डायनेस्टी के अधिकार में थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट अक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, और इस समय तक जर्मनी में इटालियन भाषा का भी पूर्ण विकास नहीं हुआ था, और इसमें पूरे इटली में भी इस इटालियन भाषा के अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते थे। जिससे भी मैजिनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिफाइड यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, जुसेपी मैजिनी ने विचार दिया इस इटली को यूनाइट करने का, सार्डिनिया पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। और विक्टर इमैनुअल सेकंड ने युद्ध के द्वारा जर्मनी के इस यूनिफिकेशन के कार्य को आगे बढ़ाया। चीफ मिनिस्टर कैबूर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, जिसने इस मूवमेंट का नेतृत्व किया था थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैबूर, और उसने फ्रांस के साथ बहुत चालाकीपूर्ण मित्रता की जहाँ जरूरत पड़ी और ऑस्ट्रिया को हराया। सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रिया फोर्सेस इन 1859, 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया और उत्तरी भाग पर इनका अधिकार हुआ। लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप जुसेपी गैरिबाल्डी जॉइन द फ्रे, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयं सेवकों की सेना जिसे रेड शर्ट आर्मी कहा जाता है उसने भी इसमें भाग लिया। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट ऑफ द स्पेनिश रूलर्स, और दक्षिण के सिसिली राज्यों में जनता के समर्थन से इन्होंने वहाँ के स्पेनिश राजाओं को वहाँ से भगा दिया और सिसिली पर अधिकार कर लिया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और इस तरह से 1861 में इटली के यूनिफिकेशन का कार्य पूर्ण हुआ और विक्टर इमैनुअल द्वितीय को वहाँ का शासक घोषित किया गया इस संयुक्त
इटली का। तो इस तरह से इन चार लोगों के योगदान से इटली का जो है यूनिफिकेशन हुआ। इसके बाद बात करते हैं द स्टोरी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन या यूके की जो कहानी है वो बाकी जर्मन और इटली के यूनिफिकेशन से थोड़ी अलग है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रिवोल्यूशन। यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किसी क्रांति या किसी अचानक के मूवमेंट से नहीं हुआ। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। ये तो एक बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century। 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन या यूके या ग्रेट ब्रिटेन नाम का कोई देश ही नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड्स वर एथनिक वंस सच इज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। इस ब्रिटिश आइलैंड में चार एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग जाति इंद्रजाति ग्रुप रहते थे जो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश के रूप में जाने जाते हैं, और ये चारों ही बाद में चार अलग अलग कंट्री के रूप में जाने गए। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर। सभी इन जातीय समूह की अपनी अपनी कल्चर थी, अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेज या इंग्लैंड जो है वो पावर और वेल्थ में जो है बहुत आगे बढ़ गया। इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस टू द आइलैंड। और जब उसका पावर और वेल्थ बहुत बढ़ गया तो उसने अपने पड़ोस के इन तीनों ही क्षेत्रों पर भी अपने इस पावर और वेल्थ का यूज़ किया और उन लोग देशों को अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश की। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। अब इंग्लैंड में 1688 की जो रक्तहीन क्रांति होती है उसके द्वारा मोनार्की से पावर लेकर पार्लियामेंट जो है वहाँ एस्टेब्लिश हो जाती है, और वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फोर्ज्ड। और उसी के साथ इंग्लैंड एक देश के रूप में इस समय अस्तित्व में आता है। द एक्ट ऑफ यूनियन, थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1707 में इंग्लैंड ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके स्कॉटलैंड को भी जो है अपने अंदर मर्ज कर लिया और नए नाम से जिसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है वो बनाया गया, जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों शामिल थे, और ये एक्ट ऑफ यूनियन इसे कहा जाता है जो 1707 में इफेक्ट में आया। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और इस कानून के द्वारा इंग्लैंड ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर और अपने प्रतीकों का स्कॉटलैंड में प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंस फोर्ड डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर्स। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। और ब्रिटिश के प्रभुत्व की वजह से, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनके प्रभुत्व की वजह से धीरे धीरे स्कॉटलैंड की जो सभ्यता संस्कृति है उसको धीरे धीरे दबाने का प्रयास इंग्लैंड द्वारा किया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फोरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। स्कॉटलैंड के हाईलैंड के एरिया में जो पर्वतीय क्षेत्र था वहाँ के हाईलैंड एरिया में वहाँ के लोग गैलिक भाषा बोलते थे, उस भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और वियर द नेशनल ड्रेस, उन लोगों की जो राष्ट्रीय पोशाक थी उसको पहनने से मना कर दिया गया। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और बहुत सारे स्कॉटिश लोगों को विरोध करने पर उनके जो मदरलैंड होमलैंड है वहाँ से निकाल भी दिया गया, सेंड इनटू एग्जाइल जो है देश निकाला दे दिया गया, देश से बाहर भेज दिया गया। और इस तरह ज़बरदस्ती स्कॉटलैंड को इस यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। फिर आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। जिस तरह से स्कॉटलैंड को शामिल किया गया सेम वे आयरलैंड को भी इसी तरह से इस यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं ये एक बड़ा सा आइलैंड है इस समूह का, द्वीप समूह का, और मेनली इस आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो वर्गों के लोग रहते थे। इसके उत्तरी भाग में जो है प्रोटेस्टेंट लोगों की संख्या अधिक थी, दक्षिणी भाग में कैथोलिक्स रहते थे, लेकिन पूरे देश की बात की जाए तो कैथोलिकों की संख्या ज़्यादा थी। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ द आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज लीग कैथोलिक कंट्री। लेकिन इंग्लैंड ने, इंग्लैंड जो कि एक प्रोटेस्टेंट कंट्री था, उसने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट की सहायता की और इस कैथोलिक देश के ऊपर जहाँ के मेजोरिटी कैथोलिक्स थे उस देश के ऊपर प्रोटेस्टेंट का डोमिनेंस जो है उसको बढ़ाने में इंग्लैंड ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट का साथ दिया। कैथोलिक रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस एंड वर सप्रेस्ड। कैथोलिकों ने इसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में रिवोल्ट भी किया, लेकिन उनके रिवोल्ट को दबा दिया गया। आफ्टर ए फॉल्टेड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फटन। अब इस
आयरलैंड के विद्रोह का नेतृत्व वॉल्फ टॉन ने किया था एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन, और उनकी एक सेना जो थी उसे यूनाइटेड आयरिश मैन कहा जाता है। 1798 में ये विद्रोह किया गया। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1801 में आयरलैंड को भी इस यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, और इस पूरे यूनाइटेड किंगडम में पूरी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश कल्चर को लागू करने की कोशिश की गई। यानी स्कॉटलैंड आयरलैंड में भी अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार इंग्लैंड द्वारा किया गया, ताकत के दम पर, फोर्स के द्वारा। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, ठीक है, इन नए देशों में जबरदस्ती ब्रिटिश फ्लैग या झंडा, जिसे यूनियन जैक कहा जाता है, उसको लागू किया गया। वहाँ के राष्ट्रगान गॉड सेव अवर नोबल किंग को भी जबरदस्ती लागू किया गया इन देशों में। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड, और ब्रिटिश भाषा या इंग्लिश भाषा को स्कॉटलैंड आयरलैंड में जो है प्रोमोट किया गया। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली ए सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन द यूनियन, और जो यहाँ के पुराने देश थे वो सबॉर्डिनेट के रूप में ही इंग्लैंड के साथ जुड़े रह पाए, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम में इस तरह से वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को शामिल किया गया। तो यहाँ पर किसी तरह से जनता ने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन इंग्लैंड ने अपने पावर का इस्तेमाल करके, वेल्थ का इस्तेमाल करके इन देशों को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में जोड़ा है। तो ये इंग्लैंड की स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है जर्मनी और इटली से। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पूरे जो बुक है उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स जो आए हैं, जो बार बार प्रयोग हुए हैं। तो उसमें एक है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो है, इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस, ठीक है। तो ये एक तरह की राजनीतिक विचारधारा है जो पुरानी परंपराओं और जो संस्था हैं उनकी स्थापना पर ज़्यादा जोर देती है, यानी जो पहले से चली आ रही चीज़ों हैं उनको ही ज़्यादा मानती है, महत्व देती है, और सोसाइटी में धीरे धीरे ही परिवर्तनों को पसंद करती है, अचानक होने वाले परिवर्तनों को ज़्यादा जो है सपोर्ट नहीं करती। यानी रूढ़िवादी, जिन्हें कहा जाता है दैट दे आर कंजर्वेटिव, जो पुरानी सभ्यता संस्कृति या पुराने मोनार्की सिस्टम को फॉलो करते थे, पसंद करते थे, दे आर कंजर्वेटिव। फेमिनिस्ट, नारीवादी वो लोग हैं, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स, महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों की बात करने वाले और उनके विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को नारीवादी कहा जाता है, फेमिनिस्ट कहते हैं। एथनिक या जाति, इंद्रजाति जो है, रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स। एक ही तरह की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं या जहाँ से शुरुआत होती है उनको पालन करने वाले सभी लोगों को एथनिक ग्रुप कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर के प्रमुख नए वर्ड्स हैं। अब इस तरह से यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके जो है एक ही करके जो है नए नए देश के रूप में, बड़ी बड़ी शक्तियों के रूप में इस समय विकसित होने लगे थे। राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी, और इस भावना को और ज़्यादा फैलाने में वहाँ पर देशों को उस समय विजुअल रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे कहा जाता है विजुअलाइजिंग द नेशन। राष्ट्र की जो है मानवीय रूप में अभिव्यक्ति उस समय होने लग गई थी। दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन, और इस समय इन देशों में जो है देश को किसी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड इन फीमेल फिगर्स, एज फीमेल फिगर्स, और इस समय देशों को जो है महिला आकृति के रूप में, एलेजरी के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। जैसा कि हमने पहले देखा, फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया जो थी वो राष्ट्र के प्रतीक के रूप में इस समय पोर्ट्रेट की गई, और इस तरह से हर देश ने अपने अपने ऐसे प्रतीक बनाना शुरू किया, और इसी रूप में आगे हमारे भारत देश में भारत माता जो है वो भी इसी तरह के एक प्रतीक के रूप में उभर कर आई। अब एलेजरी एक वर्ड है जो यूज़ किया गया इसके लिए। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टीज, एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, जब कोई निराकार वस्तु को किसी साकार वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कोई ऐसा विचार जो जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी वस्तु जिसकी कोई आकार नहीं है उसको जो है किसी मानवीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे एलेजरी कहते हैं। एन एलेगोरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिम्बोलिक, और इस तरह की कहानियों के भावार्थ और शब्दार्थ दो होते हैं।
और इन जितने भी राष्ट्र की अभिव्यक्ति के रूप में जो प्रतीक माएँ बनाई गई मानवीय रूप में प्रस्तुत की गई, उनके साथ बहुत सारे जो है एट्रीब्यूट्स जोड़े गए जिनका भी सिग्निफिकेंस था। बहुत सारे उनके प्रतीक जो है उनके साथ में जोड़े गए थे, जहाँ पर हम देख सकते हैं ये मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ब्रोकन चेंज जो है आज़ादी का प्रतीक था। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल जो है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ का, जर्मनी के स्ट्रेंथ का प्रतीक था, जो कि यहाँ पर जो है कवच के रूप में है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स का जो क्राउन था वो हीरोइज्म का प्रतीक है। स्वॉर्ड जो है रेडीनेस टू फाइट, जो है लड़ने की तैयारी या हमेशा तैयार रहने के प्रतीक रूप में तलवार है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तलवार के चारों तरफ जो ओलिव की पत्तियां लगी है, उसका सिंबल मीनिंग है विलिंगनेस टू मेक पीस, वो शांति भी चाहती हैं, यानी जो शांति चाहेगा उनके साथ शांति की जाएगी, जो युद्ध चाहेगा वो उनके साथ युद्ध किया जाएगा। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर जो है फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। ये जो ब्लैक रेड और गोल्ड ट्रीन कलर का जो रंग दिखाए गए पीछे जो है वो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उनके उस समय के झंडे के कलर थे, बैंड बाय द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट, जो बाद में बैन कर दिया गया, इस तरह के झंडे को बैन कर दिया गया था। और रेज ऑफ राइजिंग सन, पीछे जो एक उगता हुआ सूरज है वो बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा के प्रतीक के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारे प्रतीक जो है इन एलेजरी या इन मानवीय प्रतीकों के साथ जोड़े गए थे, और उसने देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को यूरोप के देशों में और बढ़ाने में योगदान दिया। यहाँ पर फिलिप वेट द्वारा 1848 में जो जर्मेनिया का पिक्चर बनाया गया वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पूछा जाता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आता है बाल्कन प्रॉब्लम्स, ये राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है धीरे धीरे जो है एक्सट्रीम नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, उग्र राष्ट्रवाद में बदल जाती है, और उसका जो शुरुआत होती है बाल्कन समस्या से होती है। बाल्कन है क्या? बाल्कन बेसिकली इज एन एरिया, ये साउथ ईस्ट का जो एक क्षेत्र है टर्की के ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। इसमें ये सारे जो एरिया है यहाँ पर लाइट येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया बाल्कन क्षेत्र कहलाता था। और इस एरिया में नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर, और इसमें ये अलग अलग पार्ट जो है यहाँ पर रहने वाले नेशनलिस्ट फीलिंग इतनी ज़्यादा आ गई कि ये सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स, ठीक है। तो ये बाल्कन क्षेत्र में इस तरह की टेंशन उभर कर सामने आई। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, ये वर्तमान में निम्नलिखित देशों के क्षेत्र को ही उस समय बाल्कन कहा जाता, जिसमें वर्तमान का रोमानिया, ये जो दिखाई दे रहा है आपको रोमानिया, फिर उसके बाद बल्गेरिया, बल्गेरिया एक बड़ा सा देश है यहाँ का, अल्बानिया, अल्बानिया भी यहीं का एक देश है छोटा सा, फिर उसके बाद ग्रीस, ग्रीस यहाँ पर सबसे लास्ट में है, मैसिडोनिया जहाँ पर का जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट था, मैसिडोनिया का यह नॉर्थ मैसिडोनिया जो है, फिर उसके बाद क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, फिर उसके बाद सर्बिया एंड मॉन्टीनिग्रो, सर्बिया एंड मॉन्टीनिग्रो। तो ये छोटे छोटे 10-11 देशों का एक क्षेत्र था जो बाद में अलग अलग देशों के रूप में विभाजित हुए थे। इसी क्षेत्र को जो है बाल्कन कहा जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर, और ये पूरा क्षेत्र जो है उस समय तक ओटोमन एम्पायर, टर्की के ओटोमन एम्पायर के अधिकार में था। स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना, रोमांटिक राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, उसकी भावना जब यूरोप में फैलती गई, तो वो भावना जब इस क्षेत्र में आई, तो इस क्षेत्र में जो है स्थितियाँ बहुत ही विस्फोटक हो गई। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिज ब्रॉक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और एक के बाद ये एक ये सारे जो यूरोपियन देश थे तुर्की के प्रभाव से धीरे धीरे आज़ाद होने लगे, और आज़ादी के बाद ये आपस में एक दूसरे से लड़ने भी लग गए। तो इस बाल्कन की प्रॉब्लम में आगे क्या समस्याएं थी? एज डिफरेंट स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर जो डिफरेंट देशों के या क्षेत्र के लोग अपने आप को अलग अलग मानते थे, लेकिन ज़्यादातर सभी स्लाविक जो है वो जाति के थे। द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जीलस ऑफ ईच अदर, और इसके ये सभी छोटे छोटे राज्य आपस में एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या रखते थे, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी ऑफ
एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, और प्रत्येक देश चाहता था कि उसकी सीमाएं जो है बढ़ जाए और दूसरे की सीमा कम हो जाए, यानी सब अपने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहते थे। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। लेकिन समस्याएं और ज़्यादा तब बढ़ गई जब बड़े देशों ने भी इन छोटे देशों की समस्याओं में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और उनकी राइवलरी आपस की जो है इन छोटे देशों में बड़े युद्धों का कारण बन गई। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. इस समय यूरोप के बड़े बड़े देशों में कॉलोनीज, उपनिवेशों की स्थापना को लेकर, व्यापार को बढ़ाने को लेकर और एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपने शक्ति और पावर को बढ़ाने को लेकर जबरदस्त कंपटीशन चल रही थी, और इस कंपटीशन में जो है वो ये छोटे देश जो है उन पर भी इन बड़ी शक्तियों ने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की बाल्कन के। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड, और इन्हीं की इस राइवलरी में बाल्कन क्षेत्र की समस्याएं भी आपस में जुड़ गई। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, वो कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स। सभी ने इस बाल्कन क्षेत्र में अपने अपने पावर को, प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपने प्रभाव को इस क्षेत्र में बढ़ाने के प्रयासों में ही बाल्कन क्षेत्र जो है वहाँ पर सभी के बीच में बहुत सारे युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर्स, इसकी वजह से युद्धों की शुरुआत होती है इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस, और इसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रारंभ होता है। तो बाल्कन युद्ध ही वो कारण था जिसकी वजह से विश्व को प्रथम विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बाल्कन में उग्र राष्ट्रवाद की वजह से जो है ये समस्या हुई, सभी आपस में लड़ने लगे और अंत जो है इसका परिणाम जो है प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।